सो गाइस, अभी तक की स्टोरी में आपने देखा है कि एक टाइम पर मैच के अंदर एक और ट्विस्ट आता है। नोबड़ा एडम जैसे किक मारता है, दूसरे बंदे के हेड पे लगती है और वो जमीन पे गिर जाता है। और इस बात से नोबड़े को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो अब तो एडम को छोड़ने वाला नहीं था। उसी टाइम पर वो खड़ा होता है और वो जोरदार आंखें उसको दिखाता है, जिससे नोबड़ा एडम की इतनी जोर से फटती है कि वो ग्राउंड को छोड़कर बाहर निकल जाता है। नोबड़ा अभी भी भाग रहा था कि बॉल यहाँ पर आलोक के पास होती है। आलोक जैसे किक मारता है सीधी पर्पल के पास, और पर्पल भी किक मारकर यहाँ पर आलोक के पास भेजता है, परंतु नोबड़ा गला बीच में आकर उसको नीचे गिरा देता है और हंसने लगता है। और तब एक जिस कार्ड दिखाकर उस नोबड़े को बाहर कर देते हैं, जिससे वो नोबड़ा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और रोने लगता है। लेकिन इससे पहले मेरे भाई, अगर आप बॉय हो तो लाइक करो, और अगर गर्ल्स हो तो कमेंट सेक्शन में #girls कमेंट करो, देखते हैं बॉय ज्यादा या फिर गर्ल्स। और गाइस, बॉल एक बार फिर से आलोक के पास होती है, जोरदार किक का प्रहार करते हैं और उसका एक गोल हो जाता है, जिससे नोबड़े बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। परंतु प्रो प्लेयर सारे हंस हंस कर उनका मजाक बनाने लगते हैं। और गाइस, उसी टाइम पे एक और ट्विस्ट आता है कहानी में। यहाँ पर एंट्री हो चुकी थी रोनाल्डो और मेसी की, जो बहुत ही खतरनाक फुटबॉल प्लेयर थे, और वो देखते ही प्रो प्लेयर के तो होश उड़ जाते हैं।